डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चल रही होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, कल जो आप लोगों ने क्लास किया था वो था भारती भवन के 2C से चार क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मैंने 2C लेसन से बता दिया था। अब आगे हम उसका सोल्यूशन आज लेकर के आए हैं। आज भी हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें मात्र आपका 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, सर का भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, तब तक आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले लिख लिया जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। चलिए 5वां नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्या है? 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकाले। यहां पे क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योगफल, यानी कि कोई 2 संख्या है जिसको जोड़ते हैं तो 50 होता है, ठीक है? तो चलिए पहले वो दोनों संख्या निकाल लीजिए, ठीक है? तो यहां पे आप लिखिए, माना कि पहली संख्या एक्स, कोई दिक्कत? दूसरी संख्या वाई, और पहली दो संख्याओं का योगफल, यानी कि एक्स आप प्लस वाई करते हैं तो कितना होता है? 50। 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। यह हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक। अब चलिए आगे देखिए, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 7/3 गुना है, यानी कि एक्स बराबर 7/3 वाई है दूसरे में, ठीक है? दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। अब इसका समीकरण बनाइए, एक्स बराबर में इधर लाइए तो -7/3 वाई, कुछ नहीं है तो 0 अपना मन से। यह हो गया आपका समीकरण 2। आई होप आपको यह समझ में आया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां साइड में लिख करके, एक्स प्लस वाई 50 है और ये यहाँ पे, पहले इसका थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। देखिए ये सिंपल है एक्स प्लस वाई, लेकिन ये भिन्न में है तो हमको भिन्न में नहीं चाहिए, हमको पहले इसको सिंपल बनाना होगा। सिंपल बनाने के लिए क्या करना है, मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, ये लिखना नहीं है, आप समझिए इस चीजों को, ठीक है? 1 है, अब 1 का 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, 1 से 3 में, अभी बटा पर के घटाओ बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं, 1 3 3 x -7 y बराबर 0, ठीक है? अब देखिए इधर बटा में इधर कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि भी बटा में है, यहाँ भी 1 हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? समझ लीजिए, क्रॉस गुना करते हैं तो 7x - 3x - 7y में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x - 7y ही होगा, ठीक? बराबर 3 से 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ये सिंपल नंबर आया। यह हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा समीकरण 1 और 2। अब चलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं एक दूसरे से, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? समीकरण जैसे आप बनाते हैं वैसे ही एक्स और वाई में इसको गुना करना है, ठीक है? तो आप क्या करिए, चलिए आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले इसको उतार लेते हैं। समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 50, यह है आपका समीकरण 1। समीकरण 2 आपका कितना आया है, 3x - 7y बराबर 0, यह है आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, क्या करते हैं, 7 से इसमें गुना कीजिए, y के मतलब इस y के मान से इसमें गुना करना है और इस y के मान से इसमें गुना करना है, समझ रहे हैं बातों को? चलिए 7 से x में गुना करेंगे तो 7x प्लस 7 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y बराबर 7 से 50 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 350, ठीक? अब y के इस मान से, तो इसका मान 1 है, नॉर्मल y है तो इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ। अब चलिए इसको गुना कर दीजिए, y से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 7y अब बराबर 0 का, 0 ही रह गया। चलिए अब इसका काम कीजिए, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, 10x, ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक ना? 350 0 है तो ये 350 ही रह गया।
समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि x छांट लेना है, x छांटेंगे तो हो जाएगा 350 आई 10 आ गया इसके नीचे, एक जीरो से जीरो कट गया, यानी कि x बराबर 35, ठीक है, x बराबर 35 आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस x के मान को समीकरण एक या दो में डालना है, जो समीकरण आप जैसे बनाते हैं वैसे ही x का मान हम समीकरण एक में डालते हैं, यानी कि 35 प्लस यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में x का मान रखते हैं तो 35 प्लस y बराबर 50, y बराबर छांटेंगे तो हो जाएगा 50, 35 उधर जाएगा तो -35 यानी कि 15, ठीक है, y बराबर 15 और x बराबर 35 हो गया आपको दोनों नंबर, x बराबर हो गया 35 और y बराबर 15, दोनों संख्या 35 और 15 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो गया, देखिए कितना आसान है। चलिए दूसरे नंबर को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो गाइस दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकालना है, यानी कि कोई संख्या का अंतर 4 है और योगफल 6 है, ठीक है। तो चलिए फिर से आपका वही काम करना है, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब x में से y को घटाया, अंतर मतलब घटाना होता है, x में से y को घटाया तो 4 हो गया, यानी कि x माइनस y बराबर 4 है और योगफल 6 है। अगर इसी संख्या को जोड़ देता है तो योगफल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, समझ रहे बात को। चलिए अब आपका ये हो गया समीकरण एक और ये हो गया दो। अब समीकरण एक और दो से, ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, ये दो को एक्स एक्स है तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, एक वाई प्लस में है वो माइनस में है तब कैंसिल हो गया तो ये तो गया, फिर खत्म इसका, ये दोनों जुड़ जाएगा 6 × 4 = 10, सिंपल। अब x बराबर 10/2 यानी कि 2 × 5 = 10, x बराबर आपका कितना हो गया 5। अब x का मान आप एक में डाल दीजिए, आराम से लिखिए कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक है x माइनस वाई बराबर 4, तो इस 5 को x के जगह पर रख दीजिए, 5 − y = 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई बराबर छाटेंगे तो 4 आई 5 उधर जाएगा तो -5, तो −y = −1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो गया 1, प्लस नहीं समझ लीजिएगा इसको, ठीक ना, माइनस से माइनस कैंसिल किए हैं तो y बराबर 1 बच गया, यानी कि x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 1, यानी कि पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 1। तो देखिए अंतर 4 कह रहा है, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और योगफल 6 कह रहा है तो 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है यार, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए पांचवा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है तो संख्या निकालें, ठीक है। चलिए यहां पर भी वही करना है, कोई दूसरी बात नहीं है, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि x बराबर 3y है, एक और संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समझ गए आप। चलिए अब इसका जो है समीकरण तैयार कर लीजिए, समीकरण तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x आई 3y को इधर लाना होगा, −3y इधर कुछ नहीं है तो 0, ठीक, ये हो गया समीकरण एक। अब क्या कहता है, उनका योगफल 16 है यानी कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, फिर से ठीक ना, x प्लस वाई बराबर कितना है 16, ये हो गया आपका समीकरण दो, ठीक है। अब क्या काम करना है, समीकरण एक और दो से
ठीक, जैसे समीकरण एक में इसके मान से इसमें गुना कीजिए और इसके मान से इसमें, तो यहाँ वाई सिंगल है तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो वही नंबर हो जाएगा एक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो, और तीन से इस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा तीन एक्स माइनस तीन वाई, सॉरी प्लस है तो प्लस तीन वाई बराबर सोलह या अड़तालीस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए तीन एक्स है और एक्स है, ये दोनों जोड़ में है तो जुड़ गया तो क्या हो जाएगा चार एक्स, ये प्लस है माइनस है तो इससे ही कैंसिल हो गया और बराबर अड़तालीस। अब एक्स बराबर छाटेंगे तो क्या हो जाएगा अड़तालीस बटा चार यानी कि बारह चौक अड़तालीस, एक्स बराबर बारह, ठीक एक्स बराबर बारह हो गया यानी कि आपको पहली संख्या पता चल गई। अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स के मान को समीकरण एक में डाल दीजिए, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है तो समीकरण एक कितना है एक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो, इसमें एक्स के जगह पे आपको बारह रखना है, बारह माइनस तीन वाई बराबर जीरो। अब यहाँ पे आप क्या करना है कि माइनस तीन वाई बराबर छांट लेना है, जीरो माइनस बारह तो माइनस तीन वाई बराबर कितना हुआ माइनस बारह, और वाई बराबर छाटेंगे तो माइनस बारह बटा माइनस तीन, तीन चौका बारह, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि वाई बराबर चार, दूसरी संख्या वाई भी पता चल गया आपको चार, एक्स बराबर बारह वाई बराबर चार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छठा में बहुत सारे सात आठ नौ ठो क्वेश्चन है, पता नहीं कितना है देखना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।